हेलो माइक चेक। ओके, एक सेकेंड। पहले मैं लेक्चर शुरू करने से पहले जो लाइव स्ट्रीमिंग में कंफ्यूजन है, मैं बस बता दूं आपको कि अभी ये अपना जनवरी अटेम्प्ट का रेगुलर बैच का लेक्चर है। आज ये डे वन, और उसके बाद 12:15, 12 o'clock, नहीं, हाँ 12 o'clock को आपका रिविजन लेक्चर होगा, जिनका सेप्टेम्बर अटेम्प्ट है उनका। ठीक है ना? तो सेप्टेम्बर अटेम्प्ट वालों के लिए जो रिविजन होगा वो कब होगा? 12:15 बजे। और जो लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे वो तो किधर होगा? यूट्यूब पे होगा। तो वो कब देखेंगे? बाद में देखेंगे। ठीक है? सो कोई भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी मैं लेक्चर के दौरान आपको बता दूंगा कि आपका शेड्यूल कैसे क्या रहेगा। वैसे तो आपको पता होगा, बट नहीं भी पता होगा तो भी आई विल अपडेट, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? ओके, चलो। कैसे हो आप लोग सब? बहुत बढ़िया। आज डे वन किसका किसका है, जो आज पहला दिन है जिसका क्लास में? ओ भाई साहब, बढ़िया एकदम। जनवरी अटेम्प्ट? नहीं, जो नए आए उनमें जनवरी अटेम्प्ट वाले सब बेस्ट है एकदम। बहुत मेहनत करनी है आज से, बहुत पढ़ाई करनी है आज से लेके कब तक? नहीं, जनवरी तक तो करना ही है, बट क्लास में तो बहुत पूरा एकदम माहौल कर रहे हैं अपने को एकदम। ठीक है ना? ओके, चलो बढ़िया। ठीक है, चलो ये कनेक्ट करना है ना इसको। होम सिनेमा सर, कहाँ? आता का ब्रेक झाला का? आता का क्लास सुटला? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। थोड़ा एनर्जी के साथ रे। कैसे, मतलब दिन का पहला लेक्चर है, कैसे थके थके? क्या हुआ रात में? बहुत पहले आप रखो, नहीं पहले ऐसे कुछ नहीं है ना, तो चलो वापस एक बार ट्राई करते। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये हुई ना बात। चलो, सो दोस्तों, हम जो है आज जनवरी 25 अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। आप सबका अटेम्प्ट जो है वो कब का है? ये जनवरी 25। ठीक है ना? तो बस अभी बहुत मेहनत करनी है। ये मंथ कौन सा है? ये अगस्त में है हम लोग। सो अगस्त का ऑलमोस्ट मंथ तो खत्म हो चुका है। आज 20 तारीख है, 10 दिन बचे हैं अपने पास, 10-12 दिन। फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हैं अपने पास। तो लगभग 4 महीने, 10-15 दिन का ये पूरा जर्नी है। हमें देखिए, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से हम लोग को पढ़ाई करनी है। सिलेबस आप सबको बता दूं, सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस का बहुत वास्ट है। कैसा है? वास्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। मैंने क्या बोला? वास्ट है, इजी है बहुत। अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के समझेंगे तो हम लोग सब उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। बट वो टाइम और सिलेबस, वो एक इम्बैलेंस है। तो हम जब भी क्लासेस में पढ़ाई करेंगे तो आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? मुझे देखो, आराम से, इत्मीनान से, हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से, प्यार से, मन लगा के समझना। जब भी किसी भी वक्त अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, डिफिकल्टी है, डाउट है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने उसे क्लास में ही पूछना है, तभी के तभी वहां उसको खत्म करना है। तो जब आप घर जाओगे तो आपको वापस से नए से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग सब कुछ अपना क्लास में ही खत्म कर देंगे। तो घर जाके जब आपको कोई दूसरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको अगर लगता है, कोई कोई एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, कोई राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो घर जाके वो चीजों के लिए आपको टाइम मिलना चाहिए। समझ में आया आपको? बोलो, आया ना? तो हमने क्या करना चाहिए, इन 4-4.25 महीनों में पूरा का पूरा जो सिलेबस है हमने क्लास में बहुत अच्छे से खत्म कर देना है। तो क्या आप लोग इसके लिए रेडी हो? यस सर। ओके, अभी जैसे मैं देख रहा हूं यहां पे कुछ बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं, बराबर है? आप जानते हो मैं कौन हूं? नहीं, मैं बता देता हूं, मैं हूं सीए हर्षद जाजू, है ना? सीए
जरूरी है, आपको समझेगा अभी कि बहुत मेहनत लगती है ये डिग्री को अचीव करने के लिए। तो इसीलिए मैं हूँ सीए हर्षित जाजू। मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको बताओ, गेस करो। मैथ्स नहीं, लॉ अकाउंट्स नहीं, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इकोनॉमिक्स। वेरी गुड। सो यहां पे दोस्तों आपको बस मैं बता दूं, सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स। आपको पता है बच्चों ये कितने नंबर का सब्जेक्ट है? सर चार पेपर है, चारों सब्जेक्ट कितने नंबर के लिए? 100-100। तो यहां पे ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये 100 मार्क्स के लिए है। आपको पता है ये पेपर टाइप कैसा है? वेरी गुड। तो ये जो है एमसीक्यू टाइप का पेपर है, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, चार ऑप्शन में का एक ऑप्शन आपका सही होगा और आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। सही है एकदम? यस सर। अब देखो ये तो बहुत आसान है एकदम सर, लॉ में तो हम लोग को बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखना पड़ता है, ये तो बहुत आसान है, चार ऑप्शन एक गोला, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। बट ये देखने में जितना क्यूट इनोसेंट लगता है उतना ही डेंजर, डरावना और खूंखार है। क्यों सर? क्योंकि वो चार ऑप्शन मालिक ऐसे बनाएंगे ना, वो चारों के चारों हम लोग को सही लगते हैं, समझा गया? तो दैट इज द पॉइंट। तो इसको अचीव करने के लिए देखो ये आपका जो सब्जेक्ट है ना ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा आउट ऑफ द फोर पेपर्स। आज बोल रहा हूं डे वन पे, रिजल्ट आने के बाद मुझे बताना सर देखो ये आपने बोला था ये मैंने करके दिखाया है, ये आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा। बट इसको स्कोरिंग बनाने के लिए आपको एमसीक्यू पेपर को टैकल कैसे करना है उसका लॉजिक पता होना चाहिए, और वो लॉजिक क्या है? कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें समझो। क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे हजारों लाखों एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे आप, वो कोई मतलब नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि गारंटी नहीं है कि ऐसा का ऐसा एमसीक्यू आपको एग्जाम में आएगा। थ्योरेटिकल पेपर्स में, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में क्वेश्चन आपको वैसा का वैसा आ सकता है, क्योंकि आंसर्स आप अपने हिसाब से लिखोगे ना सब अलग अलग, बट डिस्क्रिप्टिव पेपर में वो पॉसिबिलिटी है, एमसीक्यू में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एमसीक्यू में कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, कैसा भी ऑप्शन डाल सकता है उसमें। तो हमें अगर उसमें सिक्योर करना है नंबर तो क्या करना होगा, हमें कॉन्सेप्चुअली जाना होगा उसके लिए, ठीक है ना? तो ये हमारी बातें हैं। तो आज दोस्तों शुरू करते हैं आज की पढ़ाई, जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट करने के लिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं, मतलब आपका चैप्टर नंबर 2, उसमें का यूनिट नंबर 1 हम बातचीत करेंगे अबाउट थ्योरी ऑफ डिमांड। काफी अच्छा चैप्टर है, अभी सुनो ना, बुक में वगैरह कुछ भी मत देखो आप, मस्त मैं आपको क्या करते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, प्रवचन आप सुनते जाएंगे, बहुत बहुत मजा आएगा आपको। जिस समय पे आपको ऐसा लगेगा सर बहुत हो गया बस करो, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा ये जो है वो नोटिंग करेंगे, ठीक है ना? एकदम बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। थ्योरी ऑफ डिमांड, शैल बी? ओके। सो अभी चलिए बात करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड की। डिमांड, डिमांड का मतलब क्या होता है? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कल बहुत सारी दीदियों ने अपने भैयाओं से डिमांड करी होगी, भैया मुझे ये चाहिए, भैया मुझे वो चाहिए, इसको डिमांड ही बोलते हैं ना। बोलो आया ना, आपने बोला होगा भैया को कि भैया मुझे एक नया मोबाइल फोन दिला दो, भैया मुझे नए जूते चप्पल दिला दो, भैया मुझे नया ड्रेस दिलाओ। ऐसे भाइयों आप लोगों को आपकी बहनों ने मांग करी होगी, ऐसे बहनों आप लोगों ने आपके भाइयों से ऐसे मांग करी होगी, बोलो हाँ या ना। क्या हम इकोनॉमिक्स में इसे हम लोग डिमांड कह दे क्या? कैन आई से इट इज अ डिमांड? दीदी ने अपने भाई से कुछ चीजें मांगी, बराबर है कि नहीं? क्या उसे हम लोग डिमांड कह देंगे? क्यों? अरे तुमने मांगा ना, पापा से मम्मी से आप कितनी सारी चीजें मांगते हो, याद करो बचपन के सुहाने दिन, पापा मेरे दोस्त के पास है ना बहुत अच्छी साइकिल है, मुझे भी साइकिल चाहिए, जिद करी होगी ना आपने साइकिल के लिए। फिर आप कॉलेज में आए तो आप बड़े हो गए, आपने बोला पापा एक टू व्हीलर मिल जाए तो मजा ही आ जाए, बोलो आया ना, ये डिमांड है या नहीं है? अरे आपको बोलना है, सेशन इंटरैक्टिव होना चाहिए, एक तरफा प्यार कुछ मतलब नहीं है, आपको पता है, ठीक है ना? तो ऐसा दो तरफा हम लोग बातचीत करेंगे तो सेशंस जो है अपने इंटरेस्टिंग बनेंगे, ठीक है ना? तो बताइए दोस्तों क्या कह रहे हैं, मैं
क्या इसे डिमांड कहेंगे क्या? नहीं, क्यों? मुझे साइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल फोन चाहिए, पापा को बोला आपने, मुझे टू व्हीलर चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए। आपने कितनी सारी चीजें मांगी यार घर पे, क्या उसे डिमांड नहीं कहेंगे? क्यों? बोलो बोलो, क्यों क्यों नहीं कहेंगे इसे? क्या होना चाहिए? सर ये तो सिर्फ जो है ना, सर ये तो सिर्फ जो है ना, ये क्या है? डिजायर है, इच्छा है। इच्छाएं तो बहुत सारी होती है, इच्छाएं तो बहुत सारी होती है। आज एक इच्छा है, कल और नई इच्छा होगी, सर उसमें क्या है? इच्छा वो क्या है? इट इज जस्ट व्हाट अ डिजायर। अब सोचिए फॉर एग्जांपल, अब यहां पे अगर ये जो भैया है यहां पे, भैया आपका नाम क्या? विनय। विनय बोल रहा है कि सर मुझे है ना एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी लेने की बहुत जोर से इच्छा है सर। तो क्या मुझे बताइए, बीएमडब्ल्यू कंपनी ने तुरंत विनय भैया के लिए गाड़ी बनाना चाहिए क्या? अरे विनय भैया ने इच्छा प्रकट करी है, डिजायर है भैया का, है ना, बीएमडब्ल्यू गाड़ी खरीदने की इच्छा। अब वो बीएमडब्ल्यू कंपनी इसकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए गाड़ी बनाएगा क्या? क्यों भाई, इच्छा है ना भैया की? क्या बोल रहे हो विनय, तेरे पास इच्छा है कि नहीं है? है। फिर प्रॉब्लम क्या है? पैसा। अरे मैं तो नहीं सुनता भाई, क्या क्या बोल रहे हैं यहां पे? ना 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 ना, ना मैं तो नहीं सुनता। क्यों नहीं खरीद सकता है सर? डिजायर है बट क्या 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 क्या, क्या? अब वो बोल रहा है सर, ये जिसने भी बोला ना वो जानता नहीं मैं कौन हूं सर, ये क्या बोल रहे हैं सर मेरी एबिलिटी टू पे के बारे में? पैसा बहुत है सर, पैसा बहुत है। बाहर लोग क्या बोलते हैं विनय को? ये देखो जा रहा है अमीर बाप की गरीब औलाद। अरे पापा पैसे नहीं देते ना सर, पापा के पास पैसे है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, ठीक है ना? तो सर मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास एबिलिटी टू पे बहुत है। फिर अब बताओ विनय के पास पैसा भी है, अब क्या प्रॉब्लम है आपको? पैसा देगा क्या तू? पैसा देगा क्या? देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। वो क्यों? क्योंकि सर वो बोल रहा है 60 लाख रुपए, सर मेरे पास है 60 लाख रुपए, बट 60 लाख की गाड़ी में क्यों लूं भाई, उससे अच्छा मैं एक मकान ले लूं ना 60 लाख का। वो बोल रहा है सर मेरी गाड़ी खरीदने की इच्छा है, मेरे पास पैसे भी है, बट सर वो 60 लाख देख के सर मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं वो गाड़ी खरीदू करके। समझा क्या बात को? बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए तीसरा पॉइंट हम लोग और क्या कहते हैं, एबिलिटी टू पे के साथ साथ देयर शुड बी, वेरी गुड, देयर शुड बी विलिंगनेस टू पे। और जब ये सारी बातें, एक सेकंड ना अच्छे से लिखता हूं, सॉरी बेटा, थैंक यू। ओके, जब ये सारी बातें इकट्ठा हो जाएगी दोस्तों, तो हम क्या कहेंगे? मुबारक हो, डिमांड हुआ है। क्या कहेंगे? मुबारक हो, डिमांड हुआ है। हाँ बेटा, तो ये सारी बातें क्या होनी चाहिए, उसके अंदर मौजूद होना बहुत जरूरी। सो मुझे बताइए, अगर हमें कहना है कि इफेक्टिव डिमांड कब होगी, तो इफेक्टिव डिमांड कब होगी बताओ दोस्तों? चलो 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 एवरीवन, इफेक्टिव डिमांड कब होगी? डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, ये सब जब बातें मौजूद होगी तब हम कहेंगे मुबारक हो, इफेक्टिव डिमांड हुआ है। करेक्ट है एकदम? यस सर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब ये बात बताओ कि अब इस डिमांड को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे? एक्सप्रेस मतलब इसको बयां कैसे करेंगे, हम लोग कैसे कहेंगे कि हमें डिमांड अगर व्यक्त करनी है, डिमांड अगर बताना है, तो हम उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? मैं बताऊं आपको? यस। सो डिमांड को अगर एक्सप्रेस करना है, दिल की बात जुबां पे लानी है, तो हम कहेंगे तीन चीजों से, एक है क्वांटिटी, दूसरा है प्राइस एंड तीसरा है टाइम। जैसे कल आपने बोला
कि भैया मुझे 100 रुपए वाली कैडबरी अभी चाहिए एक, बोलो ऐसा बोला कि नहीं आपने, मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए अभी इतने का, ऐसा बोला ना आपने। तो हम जब भी एक्सप्रेस करते हैं इस डिमांड को, तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। अभी छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, अभी चाहिए बराबर क्वांटिटी बोलते हैं, कितने चाहिए, समझ में आया आपको? यस सर। सो हमने दो बातें यहां पे अभी समझी, बोलो कौन सी? इफेक्टिव डिमांड कब कहेंगे और दूसरा उसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ये दो आपके देखो एमसीक्यू बन गए। ऑप्शन डी क्या रहेगा बताओ? ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, कैसे ऑल ऑफ द अबव ना? हाउ इज डिमांड क्रिएटेड बताओ, हाउ द डिमांड इज क्रिएटेड, डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम, खत्म, इजी है एकदम। यस सर। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे, अभी बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, आप समझिए बात को, कि इवन दो हमारे पास हमारी इच्छा है, डिजायर है, हमारे पास पैसा भी है और हम लोग वो पैसा खर्चा भी कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दे भी दूंगा, बट देर आर वॉट सम डिफरेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। क्या बोला सर ने? मेरी डिजायर भी है, मेरी एबिलिटी भी है और मेरी विलिंगनेस भी है, पैसा दे भी दूंगा, बट फिर भी ये तीनों बातें होने के बावजूद कभी कभी हम लोग डिमांड नहीं करते। सही बता रहा हूं मैं, कभी कभी हम लोग डिमांड नहीं करते। डिजायर है, हां है, एबिलिटी भी है, हां है, पैसा देने की इच्छा भी रखते हो, हां दे भी देंगे, बट कुछ बातें होती है जिसके वजह से हम कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। जैसे लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ कमो, हां हां बोल रहा हूं, प्राइस ऑफ कमो डीटी, प्राइस इज द नंबर वन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। उसकी कीमत कितनी है उसके हिसाब से, सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये आपको दिख रहा है मेरे पास यहां पे है कॉफी, ब्लैक कॉफी, ठीक है ना? नहीं दिख रहा ना, कैसे दिखाऊंगा, ऐसे थोड़ी गिरा के दिखाऊंगा बेटा, ऐसा इमोशनल हो गया तू, कंट्रोल कर सकता है तू, हिम्मत मत हार। सो यहां पे हम लोग जो कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये यहां पे है ब्लैक कॉफी, कितने रुपए की है ये? 10 रुपए की है। अब इट्स अ गुड मॉर्निंग, अ ब्राइट सनी डे, वाओ, राइट? अब डिजायर हो गया कि लेट्स हैव अ हॉट कप ऑफ कॉफी, अमेरिकानो, ब्लैक कॉफी, बराबर है कि नहीं? डिजायर है, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, दे दूंगा। अब मैं गया कॉफी खरीदने के लिए, दो दुकानें हैं मेरे पास, एक अपने लोकल चाय की टपरी और एक दूसरा यहां पे आपको दिख रहा है कोस्टा कॉफी, स्टारबक्स, थर्ड वेव कॉफी, एन नंबर ऑफ डिफरेंट मल्टी ब्रांड कॉफी शॉप्स। अब आप देखो, आपकी कॉफी पीने की इच्छा है, आपके पास जेब में 500 रुपए भी है, बराबर, और आप वो खर्चा कर भी सकते हो, विलिंगनेस टू पे, हाँ खर्चा करने के लिए 500 रुपए रखे भाई जेब में, विलिंगनेस टू पे, समझ रहा है क्या क्या है? वो 500 रुपए जेब में खर्चा करने के लिए रखे है मैंने, बोलो हाँ या ना? अब आप गए स्टारबक्स में, उसको बोला वन अमेरिकानो, मतलब ही ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी का मतलब कैसे बनाते हैं उसको मैं आपको बता दूं, गर्म पानी, उसके अंदर कॉफी पाउडर, बराबर, उबलता है और ये आपके सामने ब्लैक कॉफी बन गई, बाकी कुछ नहीं होता उसके अंदर, पानी, कॉफी पाउडर, मिक्सचर, दैट्स इट। स्टारबक्स आपको वो देगा 300-400 रुपए के, कॉफी पाउडर विथ हॉट वाटर, दैट्स इट, 300-400 रुपए में वो आपको मिलेगा। अपना लोकल टपरी वाला वही आपको 10-20 रुपए में दे रहा ना रे मालिक, और टेस्ट एकदम सेम, बस वहां पे आप एसी में पियोगे, यहां पे आप रस्ते पे एकदम नेचुरल हवा में पियोगे, दैट्स द ओनली डिफरेंस। समझा गया बात को? अब कमिंग बैक टू दिस, क्या सर हमारी डिजायर है? Yes. क्या हमारे पास पैसे है? Yes.
खर्चा करने के लिए ही पैसे हैं। अब बताओ स्टारबक्स में 400 रुपए बोल रहा है, वो खरीदेगा क्या बेटा? काहे? महंगा है। कैसे बोला, एकदम बढ़िया, एकदम मजा आ गया कि नहीं? ये अगर यही अपन अपना नॉर्मल जो चाय कॉफी का ठेला है वहां से खरीदेंगे क्या? बिल्कुल सर। सो व्हाट इज द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड? यस, नंबर वन पॉइंट। समझा क्या बात को? विनय भैया को गाड़ी भी खरीदनी थी, 60 लाख की गाड़ी खरीदनी है, उसके एबिलिटी है, हाँ है, डिजायर है, हाँ है, विलिंगनेस भी हाँ है, बट जब गाड़ी खरीदने के लिए गया, उसने देखा कि वो 60 लाख रुपए कोट कर रहा है, और रहने दे भाई मेरे को नहीं चाहिए, घर में 20-20 लाख की 3 गाड़ी आ जाएगी। समझ रहा है क्या बात को? एक गाड़ी से अच्छा पूरा परिवार के लिए 3 गाड़ियां खरीद लूंगा मैं सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो प्राइस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। बोलो आया ना? इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हमें इसे कंक्लूड करना है, तो क्या मैं ऐसे कहूं अगर प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा या कम? बोलो बच्चों, जो बोलेगा वो पास होएगा, जो जोर से बोलेगा वो टॉप 300 प्लस में स्कोर करके आएगा। अभी कैसे? अब मुझे बताओ, जब प्राइस अगर कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा। वेरी गुड, एंड हियर द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, बट इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बोलू क्या? सेट्रिस पेरिवस, गाली नहीं दे रहा हूं मैं, सेट्रिस पेरिबस, इसका मतलब क्या होता है? नहीं तो आधा पब्लिक बोलेगा सर सुबह सुबह ऐसे आओ। सेट्रिस पेरिबस इसका मतलब अदर थिंग्स बीइंग, बाकी सब चीजें सेम टू सेम, अदर थिंग्स बीइंग, हाँ, अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट, मतलब अदर थिंग्स मतलब क्या? इनकम, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बराबर है कि नहीं? क्लाइमेटिक कंडीशन, जो भी और बाकी की चीजें हैं जो आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, वो हम चीजें क्या रखेंगे? उसको कॉन्स्टेंट रखेंगे। बस क्या चेंज हो सकता है और उससे क्या इन्फ्लुएंस होगी? डिमांड। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी, अदर थिंग्स बीइंग, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया? अब इसको आपने आज पढ़ लिया, मुझे बताओ अगर अगले 4 महीने 15 दिन आपने अगर इसको स्टडी भी नहीं किया तो भी आपके दिमाग में रहेगा कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड। सही है एकदम? यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं ना बच्चों। प्राइस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त है ये। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमो डीटी, एक अभी हमने क्या बात करी? प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? रिलेटेड कमो की बात करेंगे। पहले हमने किसकी बात करी? कमो की। अब किसकी बात करेंगे? रिलेटेड कमो की। अब रिलेटेड कमो दो, रिलेटेड में दो, कौन कौन? रिलेटेड कमोडिटी में दो चीजें आती है, कौन सी दो चीजें? एक है सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स को और एक नाम दिया जाता है विच इज कॉल्ड एज द कॉम्पीटिंग गुड्स, ठीक है, और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो रिलेटेड कमोडिटीज में अब ये दो चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। रेडी? ऐसा बोलने का, ऐसे पचका नहीं करने का, रेडी बोला तो यस सर बोलने का, ऐसे है ना? फिर कल चल के ऐसा तुम भी मुझे क्वेरी पूछोगे और मैं भी ऐसे पूछ लिया ना, चलेगा ऐसे? नहीं ना, रिस्पॉन्ड करने का, ऐसे ऐसे जिंदा लाशों के जैसे मत बैठो, ऐसे जिंदा तो है बट सर अंदर से मरे हुए है सर, ऐसे देखो तुमने खुद से डिसीजन लिया है सीए करने का, तुमको किसी ने फोर्स नहीं किया है, करेक्ट है ना एकदम? तो मजे करो क्लास के अंदर। बताओ बच्चों, दो टाइप के रिलेटेड कमोडिटीज कौन से?
सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये दो टाइप के गुड्स है। सब्स्टिट्यूट का मतलब पता है क्या आपको? ये नहीं तो वो, ये भी चलेगी नहीं तो वो भी। अरे जैसे ये भी चलेगी मतलब कॉफी भी चलेगी या चाय भी चलेगी, तुम अलग सुबह सुबह के टाइम पे ऐसा कुछ भी मत सोचो तुम। ये भी चलेगी वो भी चलेगी का मतलब क्या बोला मैंने बेटा? कॉफी या चाय, बराबर है कि नहीं एकदम? यस सर। सो और घर वाली बाहर वाली क्या बोल रहा है इधर? कोई तो भी बोला, मैंने सुना, बोला कि नहीं? मेरे कान बहुत तेज है, कैसे छिछो रहे लोग। राधे राधे, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने का बेटा। घर वाली सब्स्टिट्यूट है क्या? तेरी शादी होगी ना तब तेरे को समझेगा, तेरे को ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, है ना? तो ऐसा बाहर वाली का बीबी निकाल, ऐसा मारेंगे तेरे को। हाँ ठीक है, अब बोलना मत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्या, ये कुछ भी नहीं है ऐसे। ठीक है चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूट्स, चाय या कॉफी, घी या बटर। घी या चाय कैसे होएगा? घी या बटर, और बोलो आप। हाँ, शुगर एंड यागिरी, मतलब कोक एंड पेप्सी। हाँ चपाती रोटी, अबे ढोकले, मैं मेरी गलती हो गई, मैंने पूछ लिया आपसे, ठीक है ना? ओके चलो, सो अब आपको समझ में आ गया है बेसिकली सब्स्टिट्यूट या कॉम्पीटिंग गुड्स क्या होते हैं। यस, तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अपना, कौन सा? टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी, क्लियर है एकदम? यस सर। सो अगर टी अगर हम लोग देखें, लेट अस, टी इज व्हाट द ओरिजिनल कमोडिटी, कॉफी हम लोग बात करते हैं एज व्हाट? रिलेटेड कमोडिटी। हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पे, एकदम ध्यान से मन लगा के समझिएगा। यहां पे हमारी बात हो रही है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बराबर, इफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी चेंजेस, मतलब किसका प्राइस चेंज होगा? कॉफी का। कॉफी की प्राइस बदलने के वजह से टी की डिमांड इन्फ्लुएंस होगी। ओ भाई साहब, ऐसा हो सकता है क्या? yes, सही में हो सकता है ऐसा? yes, चलो देखते हैं, चेक करते हैं कैसे क्या। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी, यहां पे भी लिखता हूं प्राइस एंड क्वांटिटी। टी अपना ओरिजिनल कमोडिटी है, हम लोग अभी यहां पे इस समय पे बोल रहे हैं कि टी का प्राइस नहीं बदलेगा, बोलो हाँ या ना? तो यहां पे हम लोग टी का प्राइस लिखते हैं दस रुपए, मतलब उसका प्राइस हम लोग चेंज ही नहीं कर रहे। एंड यहां पे शुरुआत में लेटर से कॉफी का भी प्राइस हम लोग ₹10 रख देते हैं, और यहां पे 100 लोग चाय पी रहे हैं एंड 100 लोग कॉफी पी रहे हैं। ये ओरिजिनल सिचुएशन है। अभी क्या होगा, किसका प्राइस बदलेगा बच्चों? टी का प्राइस बदलेगा या नहीं बदलेगा? अब बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहो, अच्छा अच्छा चल रहा है। बताइए दोस्तों, क्या कॉफी का प्राइस बदलेगा? हां। टी का प्राइस बदलेगा? ना। बट कॉफी के प्राइस के बदलने के वजह से किसकी डिमांड बदलेगी? हाँ, ये ध्यान रख रहे। पहले वाले सिचुएशन में हम लोग क्या बोल रहे थे, मालिक टी का ही प्राइस बदल रहा था। अगर ओरिजिनल कमोडिटी की अगर बात करें तो हम लोग क्या बोल रहे थे, टी का ही प्राइस बढ़ रहा था, इसीलिए टी की डिमांड कम ज्यादा हो रही थी। बट अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, टी का प्राइस बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है, बट फिर भी टी की डिमांड बदल रही है। आखिर क्यों? क्योंकि कॉफी का प्राइस बदल रहा है। क्या ये जमा गया आपको? आर वी गुड गाइस एवरीबॉडी? यस सर। सो अभी क्या होगा, लेट अस से कॉफी का प्राइस हो गया 10 से 15 रुपए, 5 रुपए कॉफी हो गई महंगी। अब क्या होगा? ना ना ना, अब एकदम सिंपल लॉजिक के साथ चलने का। कॉफी का प्राइस अगर बढ़ गया तो कॉफी की डिमांड क्या होगी बच्चों? बोलो एवरीबॉडी, शोर हो एकदम, इसको लॉक कर दे। हां जी, तो चलिए मान लो यहां पे अब बच गए सिर्फ 50 लोग जो है वो बच गए, जो क्या पी रहे हैं? कॉफी।
सर फिर वो जो बचे हुए 50 लोग जो है वो कहाँ गए? चाय पीने गए। किधर गए वो लोग? तो चाय की डिमांड क्या हो गई, बताओ बताओ बताओ, सुनाई नहीं आया? हाँ, तो कितनी हो गई यहाँ पे? 150। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि चाय वाला जो है वो बोल रहा है ओ माय गॉड, मतलब मैंने तो प्राइस बदला भी नहीं, बट फिर भी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ गई। ऊपर वाला का लाख लाख शुक्रिया कि देखिए अब फाइनली मेरे तारे सितारे चमक गए, फाइनली लोगों को मेरे टैलेंट के बारे में पता चल गया कि मैं कितनी अच्छी चाय बनाता हूं। वो खुश हो गया वो, अरे बोलो आया ना। तो मुझे बताइए क्या सही मायने में उसने कुछ अलग किया? कुछ उसने नहीं, बट फिर भी उसकी डिमांड कैसे बढ़ गई? हाँ, तो उसको बोलना है ये कोई तेरे तारे सितारे उसके वजह से नहीं है दोस्तों, ये सिंपली तेरा जो रिलेटेड प्रोडक्ट है उसने क्या किया, उसने प्राइस बढ़ा दी। और उसने प्राइस बढ़ाने के वजह से वहां के ग्राहक जो है ये तेरे पास आ गए, बाकी कुछ हुआ नहीं। तू आज भी वैसी चाय बना रहा है जैसे पहले बना रहा था, बट अब लोग जो है कंपेयर कर रहे हैं, उसे दिख रहा है कॉफी ये एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू टी, एंड वो दोनों मजा तो सेम ही दे रहे हैं ना। अरे चाय में जो मजा आ रहा है, तू हंस मत ऐसे, तेरी जो हंसी है ना वो डेंजर है, वो बहुत बहुत गंदी हंसी है ये। तेरे मन में क्या चल रहा है हम सब जानते हैं, ठीक है ना? तो जो चाय में जो मजा है वही सेम टू सेम मजा, अब दोनों अगर सेम मजा दे रहे हैं तो ज्यादा पैसे देके मजा वही लेना या कम पैसे देके? राधे राधे, बोलो समझ में आया कि नहीं आपको कुछ? बोलो आया ना। तो बताइए आप सेम मजा कम पैसे में ज्यादा मजे में, सॉरी कम पैसे में या ज्यादा पैसे में? यहां वहां निकल लिया मैं भी। चलो बताइए क्या होगा फिर, आप क्या पियोगे, चाय या कॉफी? हाँ चाय, क्योंकि वो चाय आपको 10 रुपए में मिल रही है, कॉफी आपको 15 रुपए में मिल रही है, मजा दोनों में। हाँ ये बात तो सही है एकदम। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, चलिए मुझे बताओ दोस्तों, अब अगर मान लो यहां पे कॉफी का प्राइस हो जाता है 5 रुपए, कॉफी का प्राइस हो जाता है 5, तो आप क्या हो जाएगा बताओ? कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, बराबर है कि नहीं? तो कॉफी की डिमांड हो जाती है लेटर से 150, ये एक्स्ट्रा 50 लोग आए कहां से? चाय बेचने वाले को इसकी भनक भी नहीं थी कि उसको कौन चोट दे के गया, समझ रहे आपको? कॉफी वाले ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या कर दिया मित्रों? कम कर दिया, एंड उसी के चलते क्या हो गया, अब लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई तेरी चाय जो है ये महंगी है एज कंपेयर टू व्हाट कॉफी, तो लोग कहां शिफ्ट हो गए? चाय बेचने वाला वो हैंग हो गया, भाई आप क्या गलत कर दिया, मैं पहले भी जो दूध में यूज कर रहा हूं, जो ब्रांड की चाय पत्ती यूज कर रहा हूं, जितना उसको हीट कर रहा हूं, जो फॉर्मूला है चाय बनाने का, मैं सब कुछ सेम टू सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, बट फिर भी अब मेरे चाय पीने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, ग्राहक मेरे कम हो गए। क्या हो गया, क्या हो गया? उसकी डिमांड कम हो गई, वो आज भी पहले जैसी ही चाय बना रहा है, अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट प्राइस भी वही है, बट फिर भी उसके ग्राहक चले गए यार। फिर वो क्या करेगा, उसको क्या बोलना चाहिए? भाई तेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम किसका है? रिलेटेड कमोडिटी का। ऐसे समय पे लोग क्या करते हैं, फिर जाते हैं बाबा बुआ के पास, बराबर, और उनको पूछते, देखो भैया मेरे मेरे बिजनेस में अब जो है ना वो पहले जैसी डिमांड नहीं रही, पता नहीं क्या हो रहा है, हम सब पहले जैसा ही कर रहे हैं बट फिर भी हमारे ग्राहक कम हो गए हैं। फिर बाबा बोलेगा आपको ये शांति करानी पड़ेगी, वो पूजा करानी पड़ेगी, ये ऐसा करना होगा, है कि नहीं भाई? इट इज नथिंग, आपको ध्यान में रखना है, देखो हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं, हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपने अगर कुछ नहीं बदला, आपकी प्राइस भी उतनी है बट फिर भी आपकी डिमांड जो है वो कम हो रही है, तो आप ये देखिए कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, वो कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपनाई है, और अगर उसने अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दी है तो इसके वजह से वो आपको हानि पहुंचा रहा है, आपको चोट पहुंचा रहा है, समझ में आएगा आपको? बोलो आया ना। तो ये आपको जब भी आप बिजनेस करो
और जब भी आपके बिजनेस में आपको दिख रहा है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस उतनी ही है बट फिर भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, बाकी सब चीजें सेम है, तो आपने एक फैक्टर जो है वो क्या ध्यान में रखना चाहिए, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस। आपके घर में अगर कोई भी बिजनेस करता होगा, भैया दीदी पापा मम्मी कोई भी बिजनेस करता होगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके बिजनेस में डाउनफॉल आ रहा है, पहले जैसा बिजनेस नहीं हो रहा है, सब कुछ सेम है, तो आप ये उन्हें छोटी सी एक टिप दे सकते हो एज अ सीए स्टूडेंट, एज एन एडवाइजर, कि देखिए आप चिंता ना करें, पहले आप बिजनेस का एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आज मम्मी पापा पहला लेक्चर था हमारा डिमांड का, जिसमें हमने सीखा समझा कि अगर आपकी डिमांड कम हो रही है और बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है जिस गली मोहल्ले में आप बिजनेस कर रहे हो वहां पे मान लो सेम वैसा कोई और एक बिजनेसमैन होगा, या आप क्या बोलते हो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, आप देखिए आपका कॉम्पिटिटर क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी रख रहा है, उसके हिसाब से आप भी चेंज कर दीजिए, देखो आपका बिजनेस वापस बाउंस बैक करेगा। समझ में आया कुछ? बोलो हाँ या ना। पॉइंट नंबर टू कौन सा था? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। क्लियर एकदम? यस सर। ओके, इनमें रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर? क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। बोलो बच्चों क्या कहेंगे इनमें, रिश्ता क्या कहलाता है? हां जी, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? पक्का? श्योर हो आप लोग? वेरी गुड। सो हियर वी हैव व्हाट वी से इज अ पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप। सही है एकदम। सामने वाला प्राइस बढ़ाएगा, आपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। सामने वाला प्राइस घटाएगा, आपने प्रोडक्ट की डिमांड घटेगी। समझ में आया आपको? तो आपने सिंपली एनालिसिस करना है, मेरा कॉम्पिटिटर अगर प्राइस बढ़ाएगा तू बढ़ा साले प्राइस, क्योंकि मेरी डिमांड बढ़ेगी ये फायदा मुझे होगा। सामने वाला प्राइस अगर घटाएगा भाई अपने लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे मेरी डिमांड कम होगी। क्लियर है एकदम? इसको लर्न करने की जरूरत है क्या दोस्तों? नहीं। लॉजिकली समझ में आया आपको? क्लियर है? अगर अब ये क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, और बात करेंगे किसके बारे में? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। बोलो आप सब रेडी हो तो प्लीज। पक्का एकदम? श्योर एकदम? बेस्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बच्चों अभी बातचीत करेंगे। आर यू रेडी? यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो अपने को साथ में कंज्यूम करना जरूरी है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, बराबर इनका रिश्ता ये अटूट है, ये जन्मों जन्मों तक ये बंधे हुए हैं। इंडिविजुअली उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है इंडिविजुअली, बट जब वो दोनों साथ में आते हैं, हाँ दोस्तों मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहा हूं, आप यहीं रहे, है ना, आप कहीं और ना जाए, है ना, हाँ यही रहे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो गुड्स साथ में कंज्यूम होते हैं। समझ में आया आपको? यस सर। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, मुझे बताइए कि दो गुड्स हम लोग सर साथ में कंज्यूम करते हैं, अकेले अकेले कंज्यूम कर ही नहीं सकते, कार एंड पेट्रोल। वेरी गुड एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल। सर मैं काम करूंगा, सर देखो कार जो है ना बहुत महंगी हो रही है, कोई बात नहीं मैं सिर्फ पेट्रोल लूंगा, सर पेट्रोल खरीदने उतने पैसे हैं मेरे पास, कार खरीदने के नहीं है, तो क्या पेट्रोल पी के तू खुद दौड़ेगा क्या? समझ में आ रहा है? तो कार और पेट्रोल होना बहुत जरूरी। विनय बोलेगा सर मैंने BMW तो ले ली 60 लाख की, अब मेरे पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं बचे, तो सर मैं सिर्फ कार खरीद के रखता हूं, पेट्रोल नहीं खरीदूंगा, कोई मतलब है इस बात का? विनय क्या कर रहा भाई तू, ऐसा ऐसा करना नहीं बेटा, है ना। तो आपको कार और पेट्रोल दोनों आपको क्या करना है, साथ में कंज्यूम करना है। और एग्जाम्पल बताइए, पेन एंड इंक। सर मैं सिर्फ पेन लूंगा बट इंक नहीं, या सिर्फ इंक लूंगा पेन नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। और बताते जाइए, मोबाइल एंड चार्जर। वेरी गुड सर, मोबाइल है बट चार्जर नहीं है, चार्जर है बट मोबाइल नहीं है,
या तो सर मोबाइल है सिम कार्ड नहीं है, सर मोबाइल खरीद लिया बिल भरने के लिए पैसे नहीं है तो सिम कार्ड नहीं लूंगा, समझ में आ रहा है। और एग्जांपल बोलते जाइए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो है रिसीवर है ये, बराबर है, लाइव स्ट्रीम वाले एक सेकंड रुक जाना, आपको भी लाइव एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेशन समझ। अभी दोनों साथ में कंज्यूम होना बहुत जरूरी है, इंडिविजुअली ये सिर्फ माइक्रोफोन का कोई इस्तेमाल नहीं है, ये ट्रांसमीटर का सिर्फ कोई इस्तेमाल नहीं है, बट जब दोनों साथ में आएंगे तब जाके ये माइक में आवाज आएगी ना दोस्तों, इसे क्या कहेंगे हम लोग, कौन से गुड्स कहेंगे इसको, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे इसको। बोलो आया ना, बोलो यस और नो, यस सर, वेरी गुड। चलो अब यहां पे कौन सा एग्जांपल ले, पेन और इंक का ले ले भाई, अपना बचपन से घिसा पिटा एग्जांपल पेन इंक। हाँ चलो लेट्स रॉक। सो यहां पे लिखते हैं पेन और यहां पे लिखते हैं इंक, ओके ओके। सो लेट अस से पेन इज व्हाट, ओरिजिनल कमोडिटी, बोलो आया ना, एक काम करते पेन को ओरिजिनल रख देते हैं, इंक को रिलेटेड रख देते हैं, ठीक है ठीक है। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, बच्चों इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है ये, इजी है एकदम सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। सो मुझे एक बात बताइए, अब पेन अगर ये ओरिजिनल कमोडिटी है, एक काम करते हैं अपन पेन को ना रिलेटेड रखते हैं तो एग्जांपल थोड़ा और मजे में समझ में आएगा, और इंक ये ओरिजिनल कमोडिटी रखते हैं, ठीक है ना, ओके। अभी लेटेस्ट से फिर से इसका प्राइस कितना रखेंगे, ₹10। पेन का भी प्राइस रखते हैं कितना, पेन का भी प्राइस रखते हैं कितना, ₹10। और लेट अस से यहां पे हमने 100 पेन खरीदे तो 100 इंक, ऐसे मैं रैंडमली नंबर लिख रहा हूं, 100 कैसे आया क्या आया ये मत पूछना, अजम्पशन, ठीक है ना, ओके। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर पेन का प्राइस 10 से हो जाता है पूरे ₹20, 100% राइज इन प्राइस, पेन की डिमांड क्या होगी बताओ, पेन की डिमांड क्या होगी बताओ, सब लोग ने बोलना है, ये रूल हर बार एप्लीकेबल होगा, जो अच्छे से बोलेगा वो पास होएगा, जो एकदम जोर से चिल्ला के एकदम अच्छे से आंसर देगा तो वो 300+ आएगा स्कोर, समझा गया, हाँ ऐसा बोलने का क्या होता है ना, जब आप देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से मैं बोलूंगा आपके कानों तक वो आवाज जाएगी और फिर आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट करेगा, वो काफी लंबा प्रोसेस है, आपने बोला इधर से इधर आपका बोला आपने सुना है, शॉर्ट डिस्टेंस है ना, बोलो हाँ या ना, तो आप तुरंत आप जो बोल रहे हो आपका दिमाग सुन लेगा, और कम से कम आपकी आवाज तो आप सुनते होंगे, ठीक है, मैं सर किसी और की नहीं सुनता, कम से कम खुद की तो सुनता है ना, तो वो जल्दी से चीजें रजिस्टर करती है, समझ में आया आपको। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं इस बात को लेके कि मैं क्यों इंसिस्ट करता हूं। मैं जब सीए फाइनल में था ना, तो एक सब्जेक्ट था इसका करके, काफी टेक्निकल सब्जेक्ट था, इसका सब्जेक्ट था इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल ऑडिट, आईटी वाला सब्जेक्ट था, फाइनल में काफी टेक्निकल सा सब्जेक्ट था, मेरे पास समय बहुत कम था, इन द सेंस कि मेरी एग्जाम बस एक महीने में थी और मेरा वो पूरा सब्जेक्ट बाकी था, सीए फाइनल की बात कर रहा हूं, तो मुझे कैसे भी करके वो सब्जेक्ट को कवर करना था और उसमें पासिंग मार्क्स लाने थे। फिर स्वप्निल सर ने उस टाइम पे कुछ 30 डेज का ऐसे कुछ तो बैच अनाउंस किया था सीए फाइनल में, तो मैं ऐसे फर्स्ट बेंच पे, तो भी फुल डेडिकेटेड है एकदम, फर्स्ट बेंच पे बैठता था ऐसे क्लास में, जब भी सर क्वेश्चंस पूछते थे बच्चे आंसर्स देते थे, मैं तो चिल्ला चिल्ला के आंसर देता था, रिवीजन में चिल्ला चिल्ला के, मजाक नहीं कर रहा हूं, 30 डेज के बाद वो पूरा जो सब्जेक्ट है मेरे बॉडी के अंदर फिट हो गया था, एग्जाम भी लिखा मैंने, एग्जेम्पशन आया मेरे को 30 दिन में पढ़ाई करके क्लास में सिर्फ बैठ के, बट मैंने क्लास में क्या किया, मैंने मैं इन्वॉल्व रहा, क्वेश्चन पूछा बिना बुक में देखे आंसर देते रहा मैं,
मेरे को एग्जेम्पशन है। उसके बाद जैसे फेलिसिटेशन होता है ना, तो जिनका एग्जेम्पशन आया था स्वप्निल सर ने फेलिसिटेशन भी किया था, ट्रॉफी दी थी, इतनी सी दी थी ट्रॉफी, वो आज भी मेरे पास है। आई हैव केप्ट दैट ट्रॉफी विथ मी, इसका टॉपर करके। तो आप समझिए, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब आप क्लास में बैठते हो सिर्फ सुनो मत, फिर क्या होता है ना, वो लेक्चर ऐसा, भाई कितना बोल रहा है यार, घरवाली इसको बोलने नहीं देती क्या, वो बात अलग है, नहीं बोल सकता हूं मैं, बट ठीक है। तो आप समझिए, आपको वो मोनोटोनस लेक्चर लगेगा, काफी बोरिंग लगेगा आपको, सर आके बोल के चले गए, है ना, हमने भी सुना नहीं सर का, कितना ही बोलने दे उसको, ऐसा नहीं। तो आप, मैं बोलूंगा आप भी बोलो, तो वो चीजें क्या होगी ना, आपको जल्दी से रजिस्टर होगी और काफी मजा आएगा फिर पढ़ने में। ठीक है, कहां थे हम लोग, वेलकम बैक गाइस, कहां थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो हम लोग क्या बोल रहे थे, अगर पेन का जो प्राइस है मालिक क्या होता है, अगर पेन का प्राइस बढ़ जाता है 10 से क्या हो जाता है 20 हो जाता है। तो अब मुझे बताएंगे आप, पेन की डिमांड क्या होगी दोस्तों, श्योर हो एकदम, पक्के से एकदम, विनय भाई, हां जी। तो यहां पे लेटस से हम क्या करते हैं, पेन की डिमांड हो गई मान लो 50। अब बताओ भाई आप, सिंपल एकदम, इंक का प्राइस अनचेंज है बट फिर भी इंक की डिमांड क्या होगी, कम होगी कि नहीं, अदर थिंग्स भी, अरे पेन इस्तेमाल करने वाले लोग कम है ना रे, तो इंक खरीदने वाले लोग भी, कितना सिंपल है ये। तो बताओ अगर पेन का प्राइस बढ़ गया तो पेन की डिमांड, अब पेन की डिमांड कम होगी तो उसको लगने वाला प्रोडक्ट वो भी कम होगा ना। अरे अरे मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर अभी कार की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो कार खरीदने वाले लोग क्या हो जाएंगे, अब जब कार की डिमांड ही कम हो जाएगी तो उसको लगने वाला पेट्रोल उसकी भी डिमांड, समझ रहे हो आप लोग, है ना। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे लेटस से इंक की डिमांड, लेटस से कितनी हो गई 60, बट कम हुई ना डिमांड। अब उसके बाद अगर हम लोग लिख देते हैं यहां पे कि भैया पेन का प्राइस हो गया 2 रुपए, मात्र 2 रुपए में आपको पेन मिल रहा है, कमाल की बात है। तो यहां पे डिमांड हो गई मान लो 200, कितने हो गई 200। तो मुझे बताइए यहां पे अब इतने ज्यादा पेन हो गए मार्केट में तो इंक की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। हाँ, तो लेटेस्ट से यहां पे इंक की डिमांड हो गई कितनी 300। अब इंक बेचने वाला वो खुद शॉक्ड एकदम, वो बोल रहा है क्या हो रहा है भाई, कभी पेन, कभी इंक की डिमांड कम हो रही, कभी इंक की डिमांड ज्यादा हो रही है, क्या हो रहा। तो भाई इंक का डिमांड कम ज्यादा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि पेन की प्राइस जो है वो ज्यादा कम हो रही है, समझ में आएगा आपको, बोलो आया ना, यस सर। तो अब दूसरा आपने क्या सीखना है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो, देखो हमारा ये सब्जेक्ट कौन सा है आप बताओ पहले, तो सब्जेक्ट कौन सा है, क्या इसे हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स कहेंगे क्या, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहेंगे दोस्तों। तो हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि अगर मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं, अगर वो प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो हमने अपने रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस भी ध्यान में रखना चाहिए, समझ में आया आप लोगों को, बोलो आया ना, यस सर। सो यहां पे बच्चों, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए, इधर इधर रिश्ता क्या है, देखिए मैंने कहा ना सबने बोलना चाहिए, तभी तो आपको वो स्ट्राइक रहेगा यहां पे, बताइए रिश्ता क्या हो रहा है यहां पे, अगर पेन का प्राइस बढ़ रहा है इंक की डिमांड, देखो देखो और बोलो, देख के बोलो, बिल्कुल भी अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो, स्क्रीन पे देख के बोलो, बस बोलना जरूरी है, पेन का प्राइस बढ़ गया तो इंक की डिमांड, पेन की प्राइस कम हुई तो इंक की डिमांड, समझ में आया क्या, बोलो सब लोग, यस सर। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, निगेटिव या इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप, सही है, चल रहा है एकदम बराबर है, ओके। तो अब पता है क्या आपको एग्जाम में क्या होगा, आपको सिंपली एक ऐसा इजी क्वेश्चन आएगा बट वो आपको फिर ऐसा बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉफी
एंड द डिमांड फॉर टी, पॉजिटिव नेगेटिव नो रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन. फोर्थ ऑप्शन बच्चे के दिल के करीब एकदम मजा ही आ गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन. क्योंकि बच्चा क्या सोचेगा, हमको क्या मालूम ये रिलेटेड कमोडिटी है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, हम लोग चाय और कॉफी दोनों मिक्स करके पीते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है. ऐसा थोड़ी है ना भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आपको वो क्लिक होना चाहिए कि ऑप्शन जब दी, मतलब क्वेश्चन जब दिया है टी एंड कॉफी, तो बाई डिफॉल्ट इट इज वॉट, बोलना हाँ क्लियर एकदम. तो उसका रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव. बट यही अगर आपको इसके बारे में अगर कहे आपको कि लेट अस से कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, व्हाट आर दीज गुड्स, ये आपको बाय लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. सिर्फ सॉफ्टवेयर है मेरे पास सर, बट मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, तो क्या करेगा? अपने दिमाग को सॉफ्टवेयर रन करेगा उसको कैसा? यस कौन है इधर इधर, समझ रहा है क्या आपको? आपको वो समझ में आना चाहिए कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर ये दोनों क्या है, रिलेटेड है, बट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स कॉम्प्लीमेंट्री. तो वैसा आपको एग्जाम में वो रिलेशनशिप डिफाइन नहीं करेंगे कि वो सब्स्टिट्यूट्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, आपको सिर्फ दो प्रोडक्ट्स देंगे. समझा क्या बात को? और उससे आपको समझ में आना चाहिए कि वो सब्स्टिट्यूट्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. शूज एंड चप्पल कौन है ये कॉम्प्लीमेंट्री? देखो हम मार किससे खा रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है कि मम्मी पापा एक तो जूते से मारेंगे तो चप्पल से मारेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री या एक चप्पल एक जूता. हम लोग बात कर रहे हैं जो हम लोग पहनते हैं बेटा. तो बताइए क्या कहेंगे, जूते या चप्पल? सब्स्टिट्यूट है ना ये. आज आप घर से निकले तो आपके सामने दो ऑप्शन थे, चप्पल पहन के निकलू या जूते पहन के निकलू, सब्स्टिट्यूट है ना ये. बोला आया ऐसा थोड़ी है कि सर चप्पल पहना तो उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री जूते भी पहनना बहुत जरूरी है, बोलो. हाँ तो ऐसे एग्जाम में आपको प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे जो आपको डिफाइन करना है कि रिलेशनशिप क्या है, उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव वो आपको लिखना है. ये तो बच्चे क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन. बोलेगा हमको क्या मालूम ये क्या है, समझ में आ रहा है? ऐसा करना नहीं. आर वी गुड? यस सर. तो ये हो गया अपना बच्चों कौन सा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी. चलो आगे बढ़ते हैं, अभी थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं. इजी लग रहा है क्या टॉपिक? अभी थर्ड पॉइंट हम लोग बात करेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर. किसकी बात करेंगे दोस्तों? इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम आमदनी. क्या लगता है आपको, जितना ज्यादा पैसा आपके पास उतना डिमांड कम या ज्यादा करोगे? डिसाइड कर लो कैसे. पैसे चिंगू से देखो ये वो बोल रहे, सर जितना ज्यादा पैसा होगा ना उतनी कम डिमांड करूंगी मैं. क्या फायदा इतना पैसा कमा के, फिर छोड़िए. वापस से एक बार मौका दे रहे आपको, बताइए इनकम बढ़ेगी तो. हाँ अब देखो आप समझिए बात को. नाम क्या बेटा आपका? ईशा. अब ध्यान से सुनना, अब जैसे मैंने सवाल पूछा, ईशा ने आंसर दिया, बट आंसर क्या हो गया उसका? गलत हो गया. अब आप समझिए बात को, अब उसको ये क्लिक हो गया इधर कि मैंने गलत बोला. अब आज के बाद जब भी इनकम ऑफ द कंज्यूमर ज्यादा होगी, ये चाह के भी गलत आंसर नहीं दे सकती. समझ रहे क्या बात को? इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको क्लास में आंसर देना बहुत जरूरी है. सही या गलत वो परवाह नहीं है अपने को, हम सब लोग सेम लेवल पे है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, और जज करा भी तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. समझ में आ रहा है आपको? इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आप बोलोगे सही जवाब दिया आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत जवाब दिया आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती क्या है, और नेक्स्ट टाइम आपसे वो कभी गलती नहीं होगी. समझ में आ रहा है आपको? दिस इज द बेनिफिट ऑफ इट. चलो फिर से एक बार, इनकम बढ़ेगी, डिमांड भी, इनकम कम होगी. यहां पे हम लोग सिंपल लिख देते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी दोस्तों? डिमांड जो है ये बढ़ेगी. इनकम अगर कम होगी तो डिमांड जो है वो भी कम होगी, एज सिंपल एज दैट. बोलो हाँ या ना? यस सर. जैसे इनकम बढ़ेगी
तो इंसान जो है पहले एक गाड़ी में खुश है, बट अब इनकम बढ़ेगी तो एक से नहीं दो गाड़ी नहीं तीन गाड़ी, बराबर। आप लोग देखते होंगे ना बड़े बड़े लोगों के पास कितनी कितनी सारी गाड़ियां होती है, मेरे पास नहीं। आनंद सर, स्वप्निल सर, मैं ये पूरे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से लेकर 10th चैप्टर में कोई भी एग्जाम्पल में मैं फिट नहीं होता हूं। एक आध बीच में आता है जो एक्सेप्शन में बात आती है उसमें, ठीक है ना? यस, बाकी सब बड़े लोग है भैया। आज आप पूछेंगे आनंद सर से, आप पूछेंगे कि सर आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, सर लिस्ट बता देंगे आपको कि इतनी गाड़ियां हैं मेरे पास, कितने घर है आपके पास। तो लंदन में सर का एक फार्म हाउस है, मालूम है आपको, चिल करने के लिए लंदन जाते हैं सर, यकीन नहीं हो रहा ना, पूछ लेना कभी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो ये सब बातें जो है, क्या हुआ ये, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। सो इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा कपड़े खरीदेंगे, ज्यादा घर खरीदेंगे, ज्यादा क्या और क्या खरीद सकते हैं, मतलब कुछ भी खरीद सकते हैं ज्यादा, ठीक है, एकदम सिंपल है बात। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगेन व्हाट, अदर थिंग्स बीइंग प्राइस वगैरह, वो सब चीजों को हम लोग सेम रखेंगे। बट सिर्फ देखो ये सारे जो पॉइंट्स है ना हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहां पे, ये इंडिविजुअली एक एक चुन चुन के हम लोग स्टडी कर रहे हैं। नहीं तो आप क्या बोलोगे सर, बट अगर इनकम और प्राइस दोनों को साथ में कंसिडर करेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना भाई। हम लोग एक एक पॉइंट को इंडिविजुअली कंसिडर कर रहे, खिचड़ी नहीं बना रहे, समझा क्या? नहीं तो आप क्या बोलेंगे कि सर प्राइस बढ़ रही है और इनकम भी बढ़ रहा है तो क्या होगा सर? भाई वो अभी हम लोग बात ही नहीं कर रहे, हम लोग क्या देख रहे हैं, एक एक केस हम लोग इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं। क्या ये बात आप तक पहुंची दोस्तों? Yes, पक्के में एकदम, वेरी गुड वेरी गुड। अब इधर जो है ना मलिक, क्या है एक्सेप्शंस, कि हर बार इनकम अगर बढ़ती है बराबर, तो जरूरी नहीं है कि डिमांड बढ़े ही करके, डिमांड सेम रह सकती है या कम हो सकती है। बोलो हाँ या ना। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे लेट अस टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर वन, हम लोग बात करते हैं अबाउट इनफीरियर गुड्स। किसकी बात करेंगे? इनफीरियर गुड्स के बारे में बातचीत करेंगे। क्या होता है ये इनफीरियर गुड्स? लो क्वालिटी, पुअर ब्रांड वैल्यू, बैड क्वालिटी, ऐसा कुछ भी जो है ना, इसको बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। तो जब जब इंसान की इनकम जो है वो बढ़ते जाती है, क्या होता है, आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, है ना? कम करेंगे ना आप लोग। आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। अभी आप लोग कॉलेजेस में हो आप, और आपको स्टाइल तो पूरा 100% मारना है, बट इनकम आपके पास है नहीं, तो अब आप क्या करते हो? एकदम सिंपल, सर एकदम है ना मस्त स्टाइलिश गॉगल चाहिए, बट पैसे है नहीं, तो कोई भी आप फैशन स्ट्रीट में जाके या कोई भी वेबसाइट से जहां पे सस्ते 100-200 रुपए के गॉगल मिलते होंगे वो आप खरीदते होंगे, और फिर आप बाइक पे कॉलेज में फोटोज खिंचवाने के बाद इंस्टाग्राम पे डालने के लिए वो 100 रुपए में सस्ती मस्ती करते हो, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? यस, आई डिड दैट, I assume that you will also be doing that, बराबर है। जूते चप्पल 500-800-1000 रुपए के आप जूते चप्पल खरीदते होंगे, सिंपल एकदम स्टाइलिश दिखने चाहिए, बाकी सर हमको कोई उसका क्या बोलते हैं लेना देना नहीं है, बस हम लोग को स्टाइल पूरा मारना है। बोलो यस और नो? यस सर। अब इमेजिन करो 100 रुपए का गॉगल, 500 रुपए के जूते चप्पल, 300-400 रुपए के शर्ट टी शर्ट आप ये खरीद रहे हो, और ऑब्वियसली अभी आप खरीदोगे क्योंकि आपकी इनकम अभी कुछ भी नहीं है या कम है। बोलो आया ना। अब मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस स्किप टू द गुड पार्ट। आप सीए बन गए, आपको जॉब लग गया, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत सारे क्लाइंट्स है आपके पास, और आपकी मंथली जो इनकम हो गई अब वो हो गई 1,00,000 रुपए। आज के तारीख में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब अगर करता है तो उसको मतलब मिनिमम उसका सैलरी जो है एनुअल पैकेज इज क्लोज टू अराउंड 12-15 lakhs। कितना? 12-15 lakhs। मतलब आप अगर
अच्छे से नंबर से पास होते हो, आप में नॉलेज है, तो आपका 12-15 लाख रुपए अच्छा पैकेज बन सकता है। और अगर मिनिमम, ये हायर साइड पे बोल रहा हूं मैं, मिनिमम अगर बताए तो 7-8 लाख रुपए आपको सालाना पैकेज आपको मिल सकता है। सर अभी मिलेगा, फ्यूचर में यही रहेगा क्या सेम? हाँ सेम रहेगा ऐसे, तो हमने मेहनत करनी चाहिए। तो आपका मान लो जॉब लगा आपको 1 लाख रुपए आपको मंथली आपको मिल रहा है, 1 लाख रुपीज, वाओ इनकम बढ़ गई। अब आपको फिर से ना गॉगल खरीदना है, चश्मा खरीदना है, बताओ 100 रुपए का खरीदोगे 1000 रुपए का? काहे पे 100 रुपए का क्यों नहीं? फिर अब आप क्या बोलोगे, सर अभी है ना सर 100 रुपए का गॉगल में ना सर वो लेंस खराब होती है सर, आंखों को तकलीफ होती है ना, वो यूवी प्रोटेक्शन नहीं होता है सर, धूप में तकलीफ होती है आंखों से, तो इसीलिए सर हम महंगे गॉगल खरीदेंगे। क्यों? पहले बचपन में कुछ आंखें खराब नहीं हो रही थी? नहीं सर, बड़ा पैसा आया ना तो अलग अलग हमारे क्या हो गए, नौटंकी हमको सूझ रही है। इनकम बढ़ी आपकी, आपकी इनकम 1 लाख से 10 लाख हो गई, जूते आप 800 वाले खरीदेंगे 80,000 के खरीदेंगे? घर जाएंगे इसमें, नहीं सर बहुत पैसा है अपने पास, 800 रुपए के जूते आप खरीदेंगे? नहीं। क्यों? सर उसमें ना मेमोरी फोम नहीं है, कंफर्ट नहीं है सर, पाओ एंकल ट्विस्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। क्यों? पहले नहीं हो सकता? नहीं, अभी अभी सब नौटंकी सोच रही है। तो जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती है तो आप सुपीरियर गुड्स को प्रेफर आप ज्यादा करते हो और इंफीरियर गुड्स की डिमांड आप जो है वो क्या करते हो, कम करते हो। समझ में आया आपको? सो दिस बिकम्स व्हाट एन एक्सेप्शन टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाला पॉइंट। समझ में आया आपको? यस सर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम लोग आते हैं और बात करते हैं अबाउट नेसेसिटीज। किसकी बात करेंगे? नेसेसिटीज, जो आपको जरूरतमंद चीजें हैं वो, बराबर है कि नहीं? इनकम बढ़ गई आपकी, अभी आप मान लो कितने 3 बार खाना खाते होंगे, 4 बार, 2-3-4 बार तो खाते होंगे ना, खाना मतलब मील्स की बात कर रहा हूं, एक ब्रेकफास्ट हो गया, एक लंच हो गया, एक डिनर हो गया, एंड मान लो आफ्टरनून में इवनिंग में कुछ स्नैक्स खा लिए, तो 3-4 बार खाते होंगे, चलो लेट अस से 3 बार तो आप खा रहे हो, सुबह दोपहर शाम, ठीक है ओके सर 3 बार खा रहे हैं, इनकम बढ़ गई आपकी, 1 लाख हो गई आपकी इनकम, 10 बार खाओगे? 10 लाख इनकम हो गई आपकी महीने की, 24 घंटे खाओगे? 1 करोड़ महीने का 1 करोड़ कमा रहे हो, कितने बार खाओगे? सर 40 बार तो खाएंगे, 48 सर, 1 घंटे में 2 बार खाएंगे सर, पैसा बहुत है ना सर हमारे पास, बहुत खाएंगे सर, इतना खाएंगे ना मतलब रोकेंगे नहीं अपने आप को। बोलो क्या क्या करोगे? इट विल रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव योर इनकम इज राइजिंग। क्लियर एकदम? यस। आपका नाम क्या भैया? ताहा। कहां से हो? यूपी से। ताहा जी जो है ये, आप समझिए बात को, यूपी में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, बराबर बोल रहा हूं कि नहीं? मेरे को मालूम है, मैं होमवर्क करके आता हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेस है। एक रोज अपने पिताजी के साथ ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि ताहा को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा यूं बम पे। ताहा ने आउट ऑफ कंसर्न पूछा, कितने का इंजेक्शन है डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने बोला 1000 रुपए का है। ताहा के पापा ने क्या बोला मालूम? उनके पिताजी ने क्या बोला? डॉक्टर साहब आप पैसे की चिंता ना करें, हमारे पास बहुत पैसा है, 1 या 4 पर ठोक दो इंजेक्शन, आप टेंशन मत लो, ठोक दो भैया। बताइए दोस्तों, क्या ताहा के पापा ऐसा बोलेंगे कभी? नहीं। क्या आप भी कभी बड़े आदमी बनने के बाद ऐसे डॉक्टर को बोलेंगे, भाई आप पैसे का चिंता ना करें, हमारे पास बहुत पैसे है, मेरी इनकम बहुत ज्यादा है, 1 दवाई की जगह 10-15 दे दो, मैं 10-15 खा लूंगा, खत्म इच बीमारी नहीं तुम। समझ में आया? जड़ से ही खत्म कर देंगे बीमारी को। तो आप बताइए, ये जो है अगेन नेसेसिटी है ना, मेडिसिन अगर दवाई आपको लेना है या खाना आपको खाना है तो क्या है वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, बोलो हाँ या ना? तो बट आपने, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सर हमारे पास बहुत ज्यादा इनकम है तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो कुछ, हम लोग बहुत ज्यादा अननेसेसरी डिमांड करेंगे ऑफ नेसेसिटीज। क्या ये बात आपको समझ में आई दोस्तों? यस सर।
तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हमने क्या पढ़ा बच्चों बताओ? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, बोलो हाँ या ना। बट इसमें कुछ दो एक्सेप्शंस है, वो दो एक्सेप्शंस कौन से हैं? इंफीरियर गुड्स एंड वेरी गुड। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहां से? यस सर। इसके अंदर कुछ बातें आती है जो हम लोग को स्टडी करनी है, कुछ अलग अलग इफेक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? इफेक्ट की बात करेंगे। पहला इफेक्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है बैंड वैगन इफेक्ट। किसकी बात कर रहे हैं अपन? बैंड वैगन इफेक्ट की बात कर रहे हैं। चलो बोलो बच्चों, बैंड वैगन इफेक्ट, बोलो बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन का मतलब क्या होता है? बैंड वैगन मतलब क्या किया कि राम ने किया तो श्याम भी करेगा, समझा क्या बात को? शर्मा जी ने किया तो वर्मा जी भी करेंगे, समझा बात को? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? बैंड वैगन इफेक्ट, देखा देखी करना। समझ में आया आपको? क्या ऐसी बहुत सारी चीजें होती होंगी करें कि जो हमने ऐसी अपने को जरूरत नहीं थी वो चीज की, बट इसने किया है इसके लिए मेरे को भी करना है, बोले ऐसा होता है क्या? इसको बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मेरा एक दोस्त है, काफी अच्छा करीबी दोस्त है, ठीक है, हम लोग कॉलेज से साथ में थे, हम लोग सीए भी हम लोग साथ में करे, और अभी वो जॉब करता है, मैं पढ़ाता हूँ, बट हम लोग ऐसे अभी कॉलेज के दोस्त थे, अभी कितने 10-15 साल की ऊपर की दोस्ती हो गई। अब वो जो है ना, वो पहले से एंड्रॉयड फोन यूज करता था वो, ठीक है ना, और हमारे ग्रुप में जितने भी हम लोग लोग है, हम सब धीरे धीरे करके हम लोग सब किधर शिफ्ट हो गए? हम लोग आईफोन पे शिफ्ट हो गए हम लोग। अब ग्रुप में इकलौता वो बचा जो आईफोन यूजर नहीं है, उसे कैसे तो भी महसूस होने लगा, उसे ये लगता है कि अब मैं ये ग्रुप में फिट नहीं हो रहा हूं। हमने पूछा क्यों? भाई तुम सब आईफोन वाले लोग हो यार, मैं बोलता हूं ब्लूटूथ से मुझे फाइल शेयर करो तो हंसते हैं लोग मुझ पे, बराबर है कि नहीं? तो यार सब लोग आईफोन वाले, मैं यार नहीं। एक दिन वो गुस्से में आके उसका एंड्रॉइड का फोन उसने बेच दिया और उसके बदले में उसने आईफोन खरीदा। उस दिन वो बहुत खुश था, पता नहीं क्यों, बट वो बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि उसके पास अब आईफोन है, उसे ऐसा लग रहा है कि अब वो क्या है, वो ग्रुप में फिट हो रहा है। इसको बोलते हैं क्या बच्चों? बैंड वैगन इफेक्ट। आप भी तो बचपन में करते थे, मम्मा मेरे दोस्त के पास देखो वो पोकेमोन वाला कंपोज बॉक्स है, कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है वो पोकेमोन वाला कंपोज बॉक्स, वो ड्रैगन बॉल जी वाला कंपोज बॉक्स है, मुझे भी चाहिए। ऐसा ऐसा कभी करा होगा आपने? लड़कियां बोलती होंगी मम्मा उसके पास यूनिकॉर्न वाला कंपोज बॉक्स है, मुझे भी यूनिकॉर्न वाला चाहिए पिंक कलर का, बोला है कि नहीं ऐसे? हाँ। तो आप समझिए, आप जब वो चीजें जिद करते हो, क्यों? क्योंकि आपने आपके दोस्तों के पास देखा, आपको वो पसंद आया, या आपको ईर्ष्या मतलब जलन, इसीलिए आपने उसकी डिमांड करी। देखो बैंड वैगन इफेक्ट में दो बातें होती है, एक तो जो आपने चीजें देखी वो आपको पसंद आई, इसीलिए आप उसे क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो, बराबर? या आप क्या कर रहे हो? जलन हो रही है आपको, इसके लिए आप क्या कर रहे हो? उसे खरीद रहे हो। समझा क्या बात को? यस सर। तो इसे क्या कहेंगे अपन बच्चों? बैंड वैगन इफेक्ट, बोलो आया ना। जो लोगों मतलब जो लोग कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। We are following the particular pattern. आज के तारीख में सब लोग ये कर रहे हैं तो हम भी वो करेंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल, और दू क्या एग्जाम्पल आपको बैंड वैगन इफेक्ट का? मतलब पता नहीं आपको, अभी पहले मैं आपको बता रहा हूं, देखो आपको याद है कि नहीं पता, मतलब याद क्या, आप लेटेस्ट जमाने के लोग हो तो शायद आपको पता हो या नहीं, सॉक्स की बात करते हैं। सॉक्स सिंपल, पहले आते थे सॉक्स एंकल लेंथ, मतलब एंकल लेंथ सॉक्स पता है आपको? मतलब आपके एंकल क्या होता है मालूम? एडी, बोलो आया ना। तो वहां तक के ही सॉक्स पहनते थे, वो स्टाइल था कि आपके सॉक्स विजिबल नहीं होने चाहिए शूज में, बराबर कि नहीं? तो वो ट्रेंड था, तो लोग वो क्या करने लगे? वैसे टाइप के सॉक्स पहनने लगे। अभी फैशन चेंज हो गया है, अब आपके वो सॉक्स जैसे स्कूल में अपन काल्फ तक पहनते थे ना सॉक्स, यहां तक ऐसे इधर तक ऐसे ऊपर तक आके पहनते थे ना, अभी वैसा ट्रेंड आ गया है
सॉक्स पहनने का, बड़े बड़े सॉक्स ऐसे ऊपर, और उसमें डिजाइन वगैरह अलग वो है। तो अब अगर आप एंकल लेंथ सॉक्स पहनोगे आप आउटडेटेड हो गए। अब सब लोग अगर आप देखेंगे कि यहां तक का काफ पहन रहे, काफ तक का सॉक्स पहन रहे और आपने एंकल लेंथ तक का सॉक्स पहना है, तो आप क्या हो गए भाई, आप सोसाइटी में फिट नहीं हो रहे हो। हाँ ऐसा क्या है, तो ऐसे अब क्या हो रहा है, अब सब लोग वैसा कर रहे हैं तो आपने भी वैसा करना है। इसको क्या बोलेंगे अपन, बैंड वैगन इफेक्ट। आपको उस ग्रुप में फिट होना है, उसको अपन बोलते हैं क्या, बैंड वैगन इफेक्ट। समझा क्या बात, देखो वैगन मतलब समझते हो, वैगन ट्रेन, ट्रेन का डब्बा, उसको बोलते हैं वैगन। अब ट्रेन का डब्बा, डब्बे के पीछे डब्बा, डब्बा डब्बा डब्बा, इंजन जो है जैसा चलेगा सारे डब्बे उसी को फॉलो करेंगे, बोलो आया ना। तो जैसा इंजन कर रहा है वैसा सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, वही पैटर्न को, वही ग्रुप को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे अपन। ये आप भी देख लेना, ये ऐसे ऐसे बड़े स्केल पे नहीं, आपका मान लो ग्रुप है चार पांच लोगों का, जैसे मैंने अभी मेरे दोस्त के बारे में कही बात है, आप भी आपके ग्रुप में चेक कर लो, आपके ग्रुप में एक पर्टिकुलर पैटर्न या बिहेवियर होता है, जो अगर मान लो दो तीन लोग कर रहे हैं तो चौथा भी उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर ग्रुप में आपके तीन चार जो दोस्त है उसमें के दो लोग ओवरसाइज कपड़े पहन के आ रहे हैं आजकल, ओवरसाइज टी शर्ट पहन के आ रहे, तो फिर क्या करेंगे बाकी के जो दो लोग है जो एकदम ऐसा ना नॉर्मल कपड़े पहन के आ रहे, उनको कैसा तो भी लगेगा, तो वो लोग भी क्या करेंगे, तीसरा भी ओवरसाइज आ जाएगा, फिर चौथा ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेगा। समझ में आया आपको, जैसा आपके दोस्त जो है आप पैटर्न फॉलो कर रहे, आप भी उसी को फॉलो कर। घर वाले शायद आपको गालियां मारेंगे, ये क्या कपड़े पहन रहे तू, मम्मा आप नहीं समझोगे ये पहनना पड़ता है, मुझे भी पसंद नहीं है, बट वो ग्रुप में फिट होने के लिए ये सब मुझे करना पड़ रहा है। ऐसा होता है क्या आपके साथ, तो समझना जब कभी, अभी नहीं होता होगा, फ्यूचर में हुआ तो ध्यान में रखना सर ने क्या बोला था, इसको बैंड वैगन इफेक्ट, ऑटो रिविजन होगा आपका। जब भी आप कोई भी चीज को अपनाओ, किस वजह से, क्योंकि ग्रुप में जो हो रहा है उस वजह से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, बैंड वैगन इफेक्ट। आर वी गुड, चलिए फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। बैंड वैगन इफेक्ट के बाद समझ में आ गया ना आपको, बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों। सो बैंड वैगन इफेक्ट के बाद दूसरा पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको कहेंगे अपन डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आज फर्स्ट डे किसका किसका है, अब जो है हाथ ऊपर है जिसमें से फीस किसने किसने नहीं भरी है वो हाथ ऊपर रखे, फीस अभी तक नहीं भरी है, गौर से देखो इन चेहरे को, गौर से देखो, खड़ा हो गए तू, फीस क्यों नहीं भरी तूने, हाँ डेमो, वो क्या बोल रहा है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, है ना, बराबर बोल रहे हो कि नहीं। देखो क्लास में एग्जांपल है, ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात हो रही है दोस्तों, ये बैठ जाओ बेटा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। आज वो आएगा बैठेगा देखेगा, हाँ हर्षद सर को आता है क्या पढ़ाने, ये देख सीए हूं 12 साल से पढ़ा रहा हूं, बट चेक करूंगा मैं, मुझे कुछ नहीं आता, मतलब आपका नाम क्या बेटा, व्यास बोल रहे हैं, आई डोंट नो एनीथिंग बट आई विल कम एंड चेक वेदर यू नो एवरीथिंग, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट ये एक एग्जाम्पल है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या था, आपको वो ग्रुप में फिट होने के लिए आप उस ग्रुप के पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, बोलो आया ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, बैंड वैगन, ग्रुप के लोगों को फॉलो करना। बट अब दूसरा एग्जाम्पल अपन बात कर रहे किसके बारे में, डेमोन्स्ट्रेशन, हमने देखा हमको वो पसंद आया और इसके लिए हमने फिर उसको खरीदा, इसको क्या बोलते हैं अपन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने व्यास ना, व्यास की बात करी हमने, वो कहा सर पहले मैं आऊंगा क्लास में देखूंगा कि हमारा वाइप चेक हो रहा है कि नहीं, और वाइप चेक होने के बाद फिर मैं फीस भरूंगा सर, हमने कहा ओके, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं इसको। या कभी आप लोग जब बच्चों फोन खरीदने गए होंगे, आप टू व्हीलर खरीदने गए होंगे, ऐसा थोड़ी है कि आपने पहले फोन खरीद लिया फिर उसके बाद उसके फीचर को एक्सप्लोर किया, ऐसा कभी हुआ है क्या, आपने गाड़ी खरीद ली, पहले गाड़ी खरीद ली फिर देखेंगे उसका माइलेज कितना है, नहीं होता ना ऐसा, पहले हम लोग क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन। आपने कभी सुना होगा आपने टेस्ट राइड लिया है, गाड़ी का टेस्ट राइड क्या होता है भाई,
वो आपको बोलते हैं बुक अ फ्री टेस्ट राइड, फ्री टेस्ट राइड, पैसा नहीं लगेगा आपको, आप आओ टेस्ट राइड करके जाओ। क्यों? क्योंकि वो क्या बोलते हैं, जब इंसान आएगा गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी चलाएगा, उसको एक थोड़ा फील आएगा, फिर उसको अगर पसंद आ जाएगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसको खरीदेगा। उसने क्यों खरीदा? क्योंकि उसको उसका डेमो जो है वो पसंद आया। समझ में आया क्या आपको? इसका एक क्लासिक केस स्टडी है दोस्तों, काफी बढ़िया सा एग्जाम्पल है, सुनना ध्यान से। आपको वन प्लस ये फोन मालूम? आपको मालूम आपको वन प्लस? वन प्लस पहले जब लॉन्च हुआ था ना, तो वन प्लस सिर्फ ऑनलाइन ही बिका जाता था, अमेजॉन की वेबसाइट पे सिर्फ ऑनलाइन बिका जाता था। फोन महंगा बट सिर्फ ऑनलाइन बिका जा रहा है। अब क्या होता है ना, आप बताओ 30-40 हजार रुपए का फोन आपको खरीदना है, बिना देखे बिना एक्सप्लोर करे क्या आप खरीदेंगे क्या? नो डाउट। मान लो यूट्यूबर्स अलग अलग रिव्यू दे रहे हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस है, अच्छा है बुरा है, आप लोगों के रिव्यूज देखोगे, बट जब तक आप खुद उसे एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आप खरीदेंगे क्या उसे? नहीं। वन प्लस का सेल हो रहा था बट जितना होना चाहिए वो फुल पोटेंशियल पे नहीं हो रहा था। कुछ सालों पहले फिर वन प्लस ने डिसाइड किया कि अपन क्या करेंगे, दुकानें डालेंगे, एक्सपीरियंस सेंटर्स। वन प्लस के स्टोर्स अभी आपको दिखते हैं? अभी आपको दिखते हैं अभी आपको वन प्लस का स्टोर्स? यस। वो वन प्लस के स्टोर को लाने का एक ही मकसद था, और वो क्या था कि लोगों को वहां पे वो जाएंगे, फोन को एक्सपीरियंस करेंगे, और अगर उन्हें अच्छा लगा तो फिर चाहे तू ऑनलाइन खरीद या फिर तू स्टोर से खरीद, बट हमें आपको बस बताना है कि ये फोन है कैसा, उसका फील कैसा है। समझ में आया आपको? फिर जब उन्होंने वो स्टोर्स लॉन्च किए, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप कभी भी अगर रास्ते से गुजरो और अगर आपको वन प्लस का स्टोर अगर आपको दिखता है, हमेशा वहां पे भीड़ आपको दिखती है, बाकी कोई स्टोर में नहीं दिखेगा जितना आपको वन प्लस में, वन प्लस के स्टोर में आपको उतनी भीड़ दिखेगी। रीजन क्या है? लोग वो एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं वहां पे। समझ में आया? इसको बोलते हैं कौन सा इफेक्ट बच्चों? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। समझ में आया आपको? यस सर। अब हम लोग कल मिलेंगे, आज के लिए बस कि थोड़ा और पढ़ाऊं, मतलब हो गया अपना टाइम ऐसा, तो 11:40 हो गया है, 11 में वो कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा, फिर वो फिर आपको ब्रेक नहीं मिलेगा दो लेक्चर के बीच में। आनंद सर विल स्टार्ट एट 12 o'clock। नेक्स्ट लेक्चर अपना, आपको शेड्यूल भी बता दूं मैं, अभी आपका जो मैं एक शेड्यूल बता देता हूं आपको, प्रॉपर शेड्यूल क्या है, ऐसे तो पता होगा आपको, है ना कि नहीं पता आपको? हाँ जी, आपका जैसे 10:15 से लेके 11:45 तक मेरा लेक्चर रहेगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। उसके बाद आपका अकाउंट्स का लेक्चर रहेगा 12 बजे से लेके 1:30 तक, ठीक है, आनंद सर पढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद मैथ्स का लेक्चर रहेगा आपका 2 to 3:30, हाफ एन आवर का लंच ब्रेक रहेगा आपको 1:30 to 2, एंड देन 2 to 3:30 आपका रहेगा कौन सा? मैथ्स का। सो जो यहां तक है ये आपका जो जैन अटेम्प्ट के लिए जो अभी जो बैच चालू हुई है ये यहां तक का रहेगा सिलेबस, राइट? मतलब 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे। लॉ मैम ने कहा है कि वो कुछ ही दिनों में स्टार्ट करेंगी, ठीक है, तो फिर वो मैम आपको अपडेट करेंगी। मैम शायद आज आने भी वाली थी क्लास में अपडेट करने के लिए, इकोनॉमिक्स में, नहीं तो मैम अकाउंट्स की क्लास में आ जाएगी। कोई भी लेक्चर में मैम आके आपको बता देगी कि मैम कब लेक्चर स्टार्ट करेंगे, बट शी विल स्टार्ट सून, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये आपका रोजाना शेड्यूल रहेगा। और फिर जो एग्जिस्टिंग बैच वाले थे ना, जो पिछले बैच के, उनका तो शेड्यूल जो है वो डिफाइंड ही है, वो तो मैथ्स का लेक्चर भी अलग से रहेगा, आपका लॉ का लेक्चर भी अलग से रहेगा, वो जो रिविजन मैम ले रही है, तो एवरीथिंग दैट विल बी एज पर द शेड्यूल टाइम। ओके, बोलो। यस सर। ओके, सो यस, आज के लिए फिर हम लोग यही, क्योंकि अभी 2 इफेक्ट और पढ़ने हैं। मैं चाहता हूं कि वो 2 इफेक्ट हम लोग कल पढ़े। पूछो क्यों? क्योंकि ना तो बहुत सारा इफेक्ट हो जाएगा दिमाग के अंदर, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आज हम लोग कहां तक सीमित रखते हैं अपने डिस्कशन को? डेमोन्स्ट्रेशन तक रखते हैं। कल स्नॉब और वेबलिन के बारे में बात करेंगे, राइट? अच्छा लग रहा है ये सब्जेक्ट? अच्छा है? यस सर। ओके, कल यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कल मिलेंगे उसको। ओके।
थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। नोट्स ये सब लिखवाऊंगा आराम से, डोंट वरी, ठीक है, बाय बाय।